नालंदा को सोर्स ऑफ मेडिटेशन और आयुर्वेदा कहा जाता था, परंतु एक दिन ऐसा आता है जो कि इसे जलाकर राख कर दिया जाता है। जहां 90 लाख किताबें 3 महीने तक लगातार जलती रहती हैं, ये केवल हमारे देश का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का नुकसान था। नालंदा यूनिवर्सिटी दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी, जिसे 5वीं शताब्दी में बनाया गया था। यहाँ पे बुद्धिज्म, फिलॉसफी, ग्रामर, मेडिसिन, मैथमेटिक्स और बहुत सारी ऐसी ही 90 लाख से अधिक किताबें रखी गई थी। दोस्तों, यह एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी थी जहाँ पे लोग विदेशों से पढ़ने आते थे, जैसे कि कोरिया, चाइना, पर्शिया, तिब्बत, इंडोनेशिया आदि। यहाँ पर 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट और 15,000 से अधिक शिक्षक रहते थे। परंतु एक दिन ऐसा आता है कि इसे जलाकर राख कर दिया जाता है। यहाँ पर 90 लाख से ज्यादा किताबें 3 महीने तक लगातार जलती रहती हैं। तो इसके पीछे हाथ किसका था? बख्तियार खिलजी, जो कि अफगान मिलिट्री का जनरल था, जिसने ईस्टर्न इंडिया और बंगाल पर राज किया। तो कहानी ये है कि घटना के कुछ समय पहले खिलजी बीमार हो जाता है और उसने काफी अपना उपचार करवाने के बाद भी वो ठीक नहीं होता। तो उसे किसी ने राय दिया, तुमको राहुल श्री भद्री, जो कि उस समय नालंदा यूनिवर्सिटी के मेडिकल चीफ थे, उनसे उपचार कराना चाहिए। परंतु खिलजी का ये कहना था कि हम किसी भी इंडियन या हिंदू से उपचार नहीं कराएंगे। परंतु उसके स्वास्थ्य में सुधार ना होने के कारण राहुल श्री भद्री ने उसके कुरान में औषधियों का लेप लगाकर उसे पढ़ने के लिए दे दिया। और फिर कुछ महीनों के पश्चात उसके स्वास्थ्य में सुधार हो जाता है। इवन जब खिलजी को यह बात पता चलती है, तो वह क्रोधवश अपनी पूरी सेना को लेकर नालंदा के ऊपर चढ़ाई कर देता है, जहां पे 10,000 छात्रों और 15,000 शिक्षकों को मारकर पूरी यूनिवर्सिटी को जला दिया जाता है और उसे पूरा तबाह कर दिया जाता है। तो चलिए आप जानते हैं इस यूनिवर्सिटी के बारे में। दोस्तों, इस यूनिवर्सिटी को 3 राजाओं ने मिलकर बनवाया था। पहले राजा राजा कुमार गुप्ता, जो कि इसके फाउंडर थे, इन्होंने 5वीं शताब्दी में इसका निर्माण कराया। ये नालंदा से 15 किलोमीटर दूर मगध की राजधानी राजगीर के एक बहुत बड़े राजा थे। और दूसरे राजा राजा हर्षवर्धन सिंह, जो कि कन्नौज के राजा थे, और इन्होंने 7वीं शताब्दी में इस यूनिवर्सिटी का दूसरा तल बनवाया था। और तीसरे राजा राजा देवपाल, जो कि बंगाल के राजा थे, इन्होंने इस यूनिवर्सिटी का तीसरा तल बनवाया, जहाँ पे स्टूडेंट के रहने के लिए 300 कमरे थे। और यहाँ की लाइब्रेरी 9 मंजिले बड़ी थी और उसके साथ यहाँ 3 बिल्डिंगें थी, रत्ना सागर, रत्ना निधि और रंजना। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज आप इसे लाइक करिए, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप आदर्श मिश्रा को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद दोस्तों।